हेलो गाइस, आज हम एक्सेल में बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे, कैसे एक्सेल में बहुत स्पीड में काम किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल से। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल में जाना है ना। चलिए आप लोगों को पूरा मास्टर क्लास सिखाएंगे कि कैसे एमएस एक्सेल में प्रो लेवल में काम किया जाता है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। इधर आप लोग, मैं कैप्स लॉक ऑन करके रख देता हूँ तो सुविधा होगी। रोल नंबर लिख दिया, मतलब एक्सेल नंबर। ओके, उसके बाद नेम, उसके बाद सब्जेक्ट नेम मैं, उसके बाद देखो इंग्लिश, ठीक है सर, उसके बाद बंगाली, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद जियो। ओके, उसके बाद देखो परसेंटेज, इसका घर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद एवरेज। ओके, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो अब बहुत फास्ट कैसे काम किया जाता है। देखो इसमें एक लिख लो, एक लिखने के बाद कुछ नहीं, इधर और एक दो लिख लो। अब बहुत बड़ा चार्ट अगर करना होगा 10 तक, तो कैसे करोगे? इन दोनों को सिलेक्ट करो। ओके, सिलेक्ट करने के बाद देखो ये जो कर्सर है ना, इधर से नीचे खींचो, पूरा 15 तक खींच लिया। ओके, क्या हुआ? ऐसा हुआ, हो गया। अब नेम में देखो, नेम स्पीड में टाइप कर लो। ओके, सो जो रोहित, इंडियन टीम का क्रिकेटर्स का नाम लिख देते हैं, रोहित, विराट, शिखर, अजिंका, राहुल, दिनेश, धोनी, पांड्या, अश्विन, जादेजा। ओके, और क्या क्या होता है, मिश्रा, हरभजन। हरभजन के लिए नाम को बड़ा करना पड़ेगा, देखो बाहर क्लिक करके ऐसे बड़ा करना होगा। ओके, और लास्ट में एन डू। ओके, हो गया। अब इन लोगों का मार्क्स बनाने के लिए देखो, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक दिखाता हूँ। मार्क्स तुम लोग तो लगाओगे ना इधर, लेकिन मैं जल्दी करने के लिए एक दो, अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि ऐसे एसएल नंबर जैसा आप लोग कर सकते हो। दो चार, एक कैसे चेंज होता है देखो, दो चार के बाद छः होता है ना, देखो ये एक्सेल ऐसा चीज़ है ऑटोमेटिक कर लेगा। देखो उसके बाद तीन छः, डिफरेंस कितना है 3 का, तो 9 हो जाएगा, तो ऐसे होगा। समझ में आ रहा है कुछ? 4 8 देखो ये थोड़ा गलती हो गई, इधर से बैक होता है। ओके, दोनों को ही सिलेक्ट करना है, 3 नंबर घर तक नहीं जाना है। उसके बाद ऐसे हो गया 5 6, देखो एक घर का डिफरेंस है, तो ऐसे एक एक बढ़ेगा। हो गया, समझ में आया कुछ? ओके, नो प्रॉब्लम। अब परसेंटेज निकालने का दो दो तरीका है। पहले वीडियो में एक, इससे पहले एक इजिकल टू साइन से निकालने का तरीका दिखाया था। ये वाला वीडियो में सबसे फास्ट निकालने का तरीका दिखाऊंगा। ओके, देखो सिलेक्ट कर लेना चारों सब्जेक्ट, उसके बाद इधर आओ ऑटो सम। ओके, देख लो है अच्छे से, होम, होम के अंदर एडिटिंग, एडिटिंग के अंदर ऑटो सम। ओके, इधर जाके परसेंटेज निकालना है, एवरेज। परसेंटेज एक जैसा ही होता है ना, नो प्रॉब्लम। तो इधर सम करेंगे ना, टोटल। ओके, टोटल तो देख होगा, एक्सेल ऐसा चीज है ऑटोमेटिक ठीक जगह में जाएगा। इधर टोटल कर लेते हैं, परसेंटेज इधर लास्ट में करेंगे ना, लास्ट में ऑटोमेटिक हो जाता है। परसेंटेज, ओके, देखो हुआ। आप इसको सिलेक्ट करके नीचे ना खींच लो, देखो सारे के सारे का प्लस आ गया, ठीक। उसके बाद देखो परसेंटेज निकालने का तरीका, इन लोगों को सिलेक्ट करो। देखो इधर क्लिक भी नहीं करूँगा, लेकिन इधर क्लिक करने के बाद एवरेज में जाओ, आ गया, ठीक है। ऐसे ही समझ में आया कुछ? इसके बाद देखो ऐसे आप लोग अच्छे से मार्कशीट बना सकोगे। अब
देखो इस घर में अगर कोई एंट्री करना है, ओके, तो इंसर्ट में जाओ, हो गया। इसमें अगर कुछ ये है तो इंसर्ट में जाओ, वाह, ओके। यहाँ से कुछ अगर लिखना है तो लिखो, देखो क्लास 12 एनुअल एग्जाम मार्क सीट, क्लास 12 एनुअल एग्जाम मार्कशीट 2024 टू 2000 2025 घुसकड़ा, ओके, हो गया। अब देखो एक घर को बड़ा करने के लिए ऐसे बड़ा कर सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको सिलेक्ट करो इधर तक, ओके। उसके बाद रैप टेक्स्ट मार्क सेंटर इधर आ गया, हुआ ठीक। बाहर क्लिक करने के बाद फिर से उसके बाद इधर साइज को थोड़ा बड़ा कर लो, इतना सा घर को बड़ा कर लो, प्रॉब्लम होगा तो ठीक। अब थोड़ा साइज छोटा कर लो इसका, मतलब 28 से 26, फिर भी छोटा करना पड़ेगा, 24 फिर भी दिक्कत, और छोटा कर देते हैं 22, ये ठीक है ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो घर को कलर करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लू, करेक्ट, ओके। आप टेक्स्ट को कलर करने के लिए क्या किया जाता है, ये देखो व्हाइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। लेट्स गो, देखो अब इसको बॉर्डर देने के लिए क्या होता है, इधर आओ, एक ग्रिड है ना, इसको ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, यहाँ से क्लिक करके, या ठीक, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ से टिक कर सकोगे, ओके ठीक। अब देखो आप लोगों को अगर बोला जाए कि पूरे स्टाइल को चेंज करो एक साथ, तो कैसे करोगे, ऐसा सिलेक्ट करो कौन स्टाइल, ऐसा भी हो सकता है। अब देख ला, देखने में लग रहा है ना प्रोफेशनल प्रोफेशनल, ठीक, वेरी गुड। अब देखो अब इधर और एक अगर घर अगर आप लोगों को ऐड करना, कलर करना है, नो प्रॉब्लम, कलर करना है, नो प्रॉब्लम, कलर करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक, वेरी गुड। ए वाले घर को कलर करना है, इधर आ, एक ऐसा कलर सिलेक्ट करो देखने में अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक, वेरी गुड। तो लास्ट में इतना कुछ करने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि करेक्ट है, उसके बाद हुआ कंप्लीट। अब देखो ये वाला को यहाँ से आप लोग बैक और ये कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग बैक और एग्जिट कर सकते हो, ओके। देखो अब अच्छा लग रहा है ना, ठीक। प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड में दबा दो, दबाने के बाद इमेज पेंट में जाओ, पेंट में जाने के बाद
सीपीआरएल और भी हुआ ना, कंप्लीट, समझ में आए, डन, वेरी गुड। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे जाओ, सेव एज में जाओ, जेपीईजी में जाओ, लोकेशन में जाओ, इधर क्या करोगे, एमएस एक्सेल ट्रिक्स, एमएस एक्सेल स्पीड अप ट्रिक्स, ओके वेरी गुड, सेव हो गया। और इधर एक्सेल में ये वाला फोल्डर भी सेव करना सीख लो, सेव एज में जाओ, ओके सेव एज में जाना। एज एग्जांपल डेस्कटॉप में कोई फोल्डर नहीं है, इधर कर दो एक नया फोल्डर, इधर कुछ नहीं है, शो प्रोजेक्ट, ओके डन, गुड बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा।